हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड्स है वो है कंपेयर। कंपेयर इसका अर्थ होता है हिंदी में तुलना करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपेयर। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट अर्थ होता है हिंदी में निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण करना। अगला वर्ड्स है हमारा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस अर्थ होता है हिंदी में गले लगाना। गले लगाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रेस। अगला वर्ड है हमारा एक्सटेंड। एक्सटेंड अर्थ होता है हिंदी में बढ़ाना। एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फेड। फेड जिनको हम हिंदी में बोलते हैं फीका पड़ना, इंग्लिश में हम बोलेंगे फेड, यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे फीका पड़ना। फेच, फेच हिंदी में अर्थ होता है जाकर लाना। फेच यानी कि जाकर लाना। गैम्बल, गैम्बल बोलते हैं हम हिंदी में जुआ खेलना। जुआ खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गैम्बल। गैम्बल ग्रम्बल, ग्रम्बल अर्थ होता है हिंदी में बड़बड़ाना। क्या होता है ग्रम्बल का अर्थ? बड़बड़ाना। आई होप आप समझ रहे होंगे। नैरेट, नैरेट जिसका अर्थ होता है हिंदी में बयान करना। बयान करना इंग्लिश में बोलते हैं नैरेट। नैरेट अगला वर्ड है ऑपरेट। ऑपरेट हिंदी में अर्थ होता है चालू करना। चालू करना अगर आपको इस्तेमाल करना तो आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे ऑपरेट का। अपोज, अपोज जिनका अर्थ होता है हिंदी में विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। अपोज यानी कि विरोध करना। पार्डन, पार्डन यानी होता माफ़ करना। पार्डन यानी कि माफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉल्यूट। पॉल्यूट का अर्थ होता है प्रदूषित करना। प्रदूषित करना यानी कि पॉल्यूट। प्रोवाइड, प्रोवाइड अर्थ होता है हिंदी में उपलब्ध करना। क्या होता है? उपलब्ध करना यानी कि प्रोवाइड करना। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं तो ये हिंदी में उपलब्ध करना, तो इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे प्रोवाइड का। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का अर्थ होता है हिंदी में सुधार करना। रेक्टिफाई।